अगर समय सीमा तय करके काम करेगी तो गांव के विकास को बहुत अधिक गति मिलेगी। हमारे इको सेंसिटिव जोन्स में हो रही कंस्ट्रक्शन के लिए हम नई टेक्नोलॉजी का उपयोग कैसे कर सकते हैं, इनके समाधानों पर एक सार्थक और गंभीर चर्चा आवश्यक है। मेरा हर राज्य सरकार से ये भी आग्रह है कि जो पाइपलाइन बिछ रही है, जो पानी आ रहा है, उसकी क्वालिटी पर भी हमें बहुत ध्यान देने की जरूरत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कहा कि भारत पिछले कुछ वर्षों में अपने रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत पर ध्यान केंद्रित कर रहा है और केंद्रीय बजट 2022 इस प्रतिबद्धता को दर्शाता है। पीएम मोदी ने एक वेबिनार को संबोधित किया जिसका शीर्षक था रक्षा में आत्मनिर्भरता कॉल टू एक्शन, जहां उन्होंने रक्षा क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता की दिशा में योगदान करने में बजट 2022-23 की भूमिका पर प्रकाश डाला। पिछले कुछ वर्षों में भारत अपने रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। आप इस साल के बजट में भी इसके लिए प्रतिबद्धता देख सकते हैं। पीएम मोदी ने बजट के बाद के वेबिनार में कहा, समाचार एजेंसी ANI के हवाले से उन्होंने याद किया कि ब्रिटिश शासन के दौरान और स्वतंत्रता के ठीक बाद भी भारत में उच्च रक्षा निर्माण शक्ति थी। द्वितीय विश्व युद्ध में भारत में निर्मित हथियारों ने एक प्रमुख भूमिका निभाई, जबकि बाद के वर्षों में यह ताकत कमजोर हो गई, लेकिन इससे पता चलता है कि भारत में क्षमताओं की कमी नहीं है। पीएम मोदी ने कहा कि जब भारत दूसरे देशों से हथियार आयात करता है तो इसके लिए प्रक्रिया इतनी लंबी हो जाती है कि उसमें से कई सुरक्षा बलों के पहुंचते पहुंचते पुराने हो जाते हैं। साल के बजट में देश के भीतर अनुसंधान, डिजाइन और विकास से लेकर विनिर्माण तक एक जीवित जीवांत परिस्थिति तंत्र विकसित करने का खाका है। सबका प्रयास तभी संभव है जब विकास सबका होगा, हर व्यक्ति, हर वर्ग, हर क्षेत्र को विकास का पूरा लाभ मिलेगा। इसलिए बीते 7 सालों में हमने देश के हर नागरिक, हर क्षेत्र के सामर्थ्य को बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। देश के गांव और गरीब को पक्के घर, टॉयलेट्स, गैस, बिजली, पानी, सड़क जैसी बेसिक सुविधाओं से जोड़ने की योजनाओं का मकसद यही है। देश ने इनमें बहुत सफलता भी पाई है, लेकिन अब समय है इन योजनाओं के सैचुरेशन का, इनके 100% लक्ष्यों को हासिल करने का। इसके लिए हमें नई रणनीति भी अपनानी पड़ेगी। मॉनिटरिंग के लिए, अकाउंटेबिलिटी के लिए टेक्नोलॉजी का भरपूर उपयोग करते हुए नई व्यवस्थाओं को विकसित करना होगा। हमें पूरी ताकत लगानी होगी। साथियों, इस बजट में सरकार द्वारा सैचुरेशन के इस बड़े लक्ष्य को हासिल करने के लिए एक स्पष्ट रोडमैप दिया गया है। बजट में पीएम आवास योजना, ग्रामीण सड़क योजना, जल जीवन मिशन, नॉर्थ ईस्ट की कनेक्टिविटी, गांवों की ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी, ऐसी हर योजना के लिए जरूरी प्रावधान किया गया है। ये ग्रामीण क्षेत्रों, नॉर्थ ईस्ट बॉर्डर के इलाकों और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में सुविधाओं के सैचुरेशन की तरफ बढ़ने के प्रयासों का ही हिस्सा है। बजट में जो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम घोषित किया गया है, वो हमारे
सीमावर्ती गांवों के विकास के लिए बहुत अहम है। रक्षा बजट का लगभग 70% केवल घरेलू उद्योग के लिए रखा गया है। पीएम मोदी ने कहा कि रक्षा मंत्रालय ने अब तक 200 से अधिक रक्षा प्लेटफार्मों और उपकरणों की स्वदेशीकरण सूची जारी की है। इस सूची की घोषणा के बाद घरेलू खरीद के लिए करीब 54,000 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए जा चुके हैं। रेवेन्यू डिपार्टमेंट पर सामान्य ग्रामीण की निर्भरता कम से कम हो, हमें यह सुनिश्चित करना है। लैंड रिकॉर्ड्स के डिजिटाइजेशन और डिमार्केशन से जुड़े समाधानों को आधुनिक टेक्नोलॉजी से जोड़ना आज की जरूरत है। मैं समझता हूं कि सभी राज्य सरकारें अगर समय सीमा तय करके काम करेगी तो गांव के विकास को बहुत अधिक गति मिलेगी। ये ऐसे रिफॉर्म्स हैं जो गांवों में इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट के निर्माण की गति को बढ़ाएंगे और गांवों में बिजनेस एक्टिविटी को भी प्रोत्साहित करेंगे। अलग अलग योजनाओं में 100% लक्ष्य पाने के लिए हमें नई टेक्नोलॉजी पर भी फोकस करना होगा ताकि तेजी से प्रोजेक्ट्स भी पूरे हो और क्वालिटी भी कॉम्प्रोमाइज ना हो। साथियों, इस साल के बजट में पीएम आवास योजना के लिए 48,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इस साल 80 लाख घर बनाने का जो लक्ष्य है उसे भी तय समय में पूरा करने के लिए तेजी से काम करना होगा। आप सभी जानते हैं कि आज देश के 6 शहरों में एफोर्डेबल हाउसिंग के लिए नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हुए 6 लाइट हाउस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। इस प्रकार की टेक्नोलॉजी गांवों के घरों में कैसे उपयोगी हो, हमारे इको सेंसिटिव जोन्स में हो रही कंस्ट्रक्शन के लिए हम नई टेक्नोलॉजी का उपयोग कैसे कर सकते हैं, इनके समाधानों पर एक सार्थक और गंभीर चर्चा आवश्यक है। गांवों में, पहाड़ी क्षेत्रों में, नॉर्थ ईस्ट में सड़कों की मेंटेनेंस भी एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। स्थानीय ज्योग्राफिकल कंडीशंस के अनुसार लंबे समय तक टिक सके ऐसे मटेरियल्स की पहचान, उसका समाधान भी बहुत जरूरी है। साथियों, जल जीवन मिशन के तहत लगभग 4 करोड़ कनेक्शन देने का टारगेट हमने रखा है। इस टारगेट को हासिल करने के लिए आपको अपनी मेहनत और बढ़ानी होगी। मेरा हर राज्य सरकार से ये भी आग्रह है कि जो पाइपलाइन बिछ रही है, जो पानी आ रहा है, उसकी क्वालिटी पर भी हमें बहुत ध्यान देने की जरूरत है। साथियों, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, स्थानीय स्वराज के संस्थाएं मिलकर के और हमारे सभी डिपार्टमेंट साइलो खत्म करके अगर ये काम तय करें, मुझे पक्का विश्वास है हम उत्तम से उत्तम परिणाम ला सकते हैं। आजादी के 75 साल हमें भी देश को कुछ देना चाहिए, इस मिजाज के साथ हम काम करें। आप आज पूरा दिन भर चर्चा करने वाले हो, बजट को गांव के जीवन में बदलाव लाने में कैसे ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द ईच एंड एवरी पेनी, ये हम कैसे कर सके, अगर ये हम कर लेंगे तो आप देखिए कोई भी नागरिक पीछे नहीं छूटेगा, हमारा सपना पूरा होगा। मेरी आप सबको बहुत शुभकामना है, बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए चेंजिंग फ्यूचर न्यूज़।